नमस्कार, हाजिर है हम सीधी बात की। हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ एक नया, लेकिन इस बार अलग, कुछ डिफरेंट करने की सोची हमने। हमारे साथ एक नया नव युवक है, नया जोश है उसके अंदर, और वह राजनीति में उतरा है, लेकिन वह उसके उद्देश्य काम करने के कुछ और हैं। और का मतलब जो आजकल की चलन में है राजनीति में उतरने के बाद जो लोग करते हैं, कहीं ना कहीं गलत ज्यादा और सही कम, ये तौलने में मिल जाता है। लेकिन इसकी इनकी मानसिकता, इनके काम करने का तरीका और सामाजिक परिवर्तन करने का उद्देश्य और यानी वाकई में कुछ परिवर्तन करना, ऐसा हमने इनके पीछे कार्यकाल में देखा है। कार्यकाल का मतलब इनके पीछे जो छोटे छोटी सी उम्र में पीछे जो काम इन्होंने किए उसे देखते हुए लगता है कि हाँ वाकई। आइए मिलते हैं मधुर शर्मा से, बाइक बातचीत करते हैं कि मधुर जी आखिर राजनीति में क्यों उतरे और सारी बातें कि कैसे परिवर्तन होना चाहिए तमाम। मधुर जी नमस्कार। जी क्या इस समय का जो राजनीतिक वातावरण है पूरे देश में, खासकर उत्तर प्रदेश के में तो राजनीतिक गढ़ माना जाता है जिस तरह से राजनीति होती है, क्या आपको लगता है युवा सही दिशा में जा रहा है, जिस तरीके से राजनीति होनी चाहिए उस दिशा में सही दिशा में जा रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल आप ये सही कहते हैं, शत प्रतिशत सही है। क्योंकि अभी तक जितनी भी राजनीति यहाँ पे उत्तर प्रदेश में होती थी तो जातिवाद पे बहुत ज़्यादा होती थी, तो युवाओं को हमेशा बरगलाया जाता था कि विपक्ष की सरकार हो या किसी की भी सरकार हो, मैं किसी सरकार पे टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, कि किसी भी युवा को भड़का के लड़ाई करना, दंगा करना, धरना देना, लाठी करना, युवा का मतलब क्या सिर्फ मार खाने के लिए यूज किया है अपने? सारी पार्टियों ने सिर्फ एक ही चीज़ का यूज करना सीखा युवाओं को, अपना निजी फायदा, नहीं निजी स्वार्थ के लिए सिर्फ करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। युवाओं को एक नया नई नई सोच के लिए आप उनको आगे बढ़े, टेक्नीशियन बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, साइंटिस्ट बने, पॉलिटिशियन बने। युवा जितना पॉलिटिशियन सबसे अच्छा हो सकता है उतना कोई नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात है हमें बुजुर्गों से आशीर्वाद मिलता है, स्वाभाविक बात है। अगर आप हमसे बड़े हैं राजनीति स्तर पर हैं, सबसे बड़ी बात है युवाओं को आप अच्छे आगे बढ़ाने का एक श्रोता है, तो हम लोगों को आगे बढ़ाने का मार्गदर्शन ही हम लोगों को बड़े सीनियर लीडरों से मिल जाता है। बात तो ठीक है कि ऐसे हमारे युवाओं को आगे आना चाहिए जिनके अंदर प्रतिभा है, कुशलता है, कौशलता है, उनको आगे आना चाहिए। आपके हिसाब से क्या आपको लगता है कि इस समय धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति, मंदिर पर राजनीति, भगवे पर राजनीति, फिर किसी मुसलमान पर राजनीति, किसी हिंदू पर राजनीति, क्या इस तरह की राजनीतिक वातावरण देश का होना चाहिए? और इस तरह का वातावरण है तो क्या देश का भविष्य, आप देखिए फेसबुक खोलिए तो कहीं ना कहीं भगवा, हिंदू और ये सारी बातें, आप व्हाट्सएप खोलिए तो वही, तो सोशल मीडिया से लेकर घर से लेकर आप चौराहे तक चले जाइए तो ये हिंदू मुस्लिम और ये सारी चीजें, इस तरह के परिवेश में क्या युवा सही राजनीति कर पाएगा? नहीं, यही सबसे अच्छी चीज है। एक्चुअली में क्या होता है कि सरकार को हर कोई आदमी दोषी करता है, जो सत्ता में होती है उसको हमेशा कोई गलत कहता है, ये तो रीत है। लेकिन कहने का मतलब यही मैंने आपसे कहा कि अपने ही लोगों में आप बरगलाते हैं, मतलब का मतलब ये तो ना कि आप जैसे हम 10 लोगों ने ये किया, सरकार का मतलब सबसे पहले डिबेट में कह दिया गया था कि आदरणीय मोदी जी ने ये स्पष्ट कह दिया है कि सबका साथ सबका विकास का एक नारा होता है, ना इसमें युवा है, ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख, इसमें सभी धर्म के लोग आते हैं और सभी का ही विकास करती है। जैसे कि आप उन सारे मुद्दों पर ज्यादा बहस होती है जिन पर देश के युवाओं को जब मेरे ख्याल से दिमाग भी नहीं लगाना चाहिए, उसके तरफ जाना भी नहीं चाहिए, जाना चाहिए सिर्फ राष्ट्र उन्नति की तरफ कैसे जाए इस पर काम करें। इसका रीजन ये होता है कि जैसे कि हम लोगों के कई संगठन होते हैं तो उसमें क्या होता है कि विपक्ष का आदमी भी कोशिश करता है कि बदनाम करना सत्ताधारी को। अब सत्ता में है हम, सत्ता में आने के बाद आदरणीय योगी जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं, वो सबके लिए परिवर्तन करते हैं, सबके लिए अच्छा सोचते हैं, किसी के लिए आपने किसी कौन से हमने दंगे करा दिए, 10 महीने की सरकार हो गई, 11 महीने की सरकार हो गई, आज तक कोई दंगा हुआ नहीं हुआ। और युवाओं को भड़काने का काम दूसरे पार्टी के विपक्ष के नेता करते हैं ताकि वो भड़के और दंगा हो, लड़ाइयां हो। ये तो विपक्ष की बात है, लेकिन अगर युवा की बात करें, आप युवा हैं तो देश का परिवर्तन युवा ही कर सकता है, लेकिन अगर ऐसी मानसिकता कायम रही तो क्या वह परिवर्तन हो सकता है जिसकी अभिलाषा हम सभी को, हम लोग आशा करके बैठे हैं कि नहीं ये सरकार आएगी या कोई और सरकार आएगी या देश का वातावरण ऐसा बने जिसमें आमूलचूल परिवर्तन हो, इस तरह के वातावरण पे हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल। इस सबसे पहली चीज तो है युवा ही सबसे अनमोल है इस देश का, और पहली बात तो विश्व में हमको लगता है सबसे आगे प्रेजेंट निकलने वाला युवाओं का देश जो है वो भारत का है। और भारत जैसा है विशाल देश होने के बावजूद, युवाओं का इतना मजबूत देश होने के बावजूद अगर युवा पीछे रह गया तो बेकार है। युवा ही देश को बदल सकता है। आप एक चीज याद रखिएगा, देश में कोई एक लीडर नहीं, कोई एक सत्ता नहीं, लोग बदनाम करते हैं कि एक सत्ता है, एक ही आदमी चला रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक और देश को सबसे अच्छा चला रहा है युवा,
और युवा ही देश को अच्छा चला सकता है, क्योंकि युवा ही एक आईएएस ऑफिसर बनता है, युवा ही एक इंजीनियर बनता है, युवा ही डॉक्टर बनता है, और युवा ही एक पॉलिटिशियन जा रहा है, जिसको मैं चाहता हूं कि बहुत से युवा लोग बेरोजगार हैं, कहते हैं मैं कहता हूं युवा भी आगे बढ़ सकता है, समाज सेवा कर सकता है, समाज सेवा में जितना युवा कर सकता है कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो युवाओं को बढ़कर आना चाहिए और पॉलिटिशियन में भी उनका हक होना चाहिए। और मैं अपने सीनियर लीडरों से, आदरणीय लोगों से निवेदन करके कहना चाहूंगा कि आप लोग युवाओं को आगे बढ़ाएं। जी, ये बात तो ठीक है। अब आपके हिसाब से, चूंकि आपके मुझे लगता है 2-3-4 साल 5 साल हो गए होंगे राजनीति में उतरे हुए, लेकिन जिस 10 साल की राजनीति का लोकसभा पहले से हूँ मैं। अरे जितना मैंने देखा है तो मुझे लगा कि तीन पार्टी ने मुझे युवा मोर्चा को उपाध्यक्ष भी बनाया। अच्छी बात है। अच्छा, इतने वर्षों में एक अनुभव जो आपको लगता है कि हाँ इस चीज से आपको सुकून मिलता है, हाँ ये राजनीति अब ठीक हो रही है, क्या लगता है, क्या ऐसा ऐसा ऐसी ऐसी दृश्य ऐसी घटना कोई बताइए जो लगता है कि हाँ ये ठीक है, ये ठीक हो रहा है, अब राजनीति ठीक दिशा में? नहीं, ये तो सही है, आपने कहा कि राजनीति सही दिशा में आनी चाहिए, लेकिन कहने का मतलब जिस हिसाब से युवा ने बहुत कुछ किया भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो एक बार वही मैं कहना चाहता हूँ ना कि भारतीय जनता पार्टी के लिए युवा ने बहुत किया, समाजवादी पार्टी के लिए भी युवा ने बहुत किया, बसपा के लिए भी, मतलब कहने का मतलब आप लोग उनको यूज सिर्फ पार्टी तक ही करते हैं, जब तक इलेक्शन होता है, सत्ता होता है, उसके बाद आप उन युवाओं को अलग कर देते हैं, वो नाइंसाफी है। दुख है आपको या सुख है? नहीं, ये दुख है क्योंकि मेरे साथ नहीं, ये हर किसी युवा के साथ, कल को कि मतलब युवा आता इसीलिए है कि पॉलिटिशियन में मैं समाज सेवा कर सकूं, जन प्रतिनिधि बन सकूं, और संगठन में आदमी लड़ता है, जगड़ता है इसलिए कि मैं जन प्रतिनिधि बनकर मैं लोगों की सेवा कर सकता हूं, और संगठन सर्वप्रिय है, और संगठन की सेवा करना भी बहुत एक अच्छी बात है, और संगठन की सेवा करके ही हम लोग सब ऊपर पहुंचते हैं, अच्छी बात है, संगठन ही एक जन प्रतिनिधि बना के भेजता है। लेकिन संगठन को मैं ये मतलब पूरी तरह से मतलब समझ लीजिए निष्पूर्ण से हाथ जोड़ के या किसी तरीके से होता है कि निवेदन करके कि युवाओं ही देश को बदल सकता है और युवाओं को बढ़ाए, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ, चाहे भारतीय जनता पार्टी ही क्यों ना हो, मैं उनसे भी निवेदन करने की कोशिश करता हूँ कि अपने जिन्हें सीनियर आदरणीय लोग हैं कि वो लोग युवाओं को आगे लाए। चलिए, वो तो बात लाना भी चाहिए, और कहीं ना कहीं देश में अगर वो आगे आएंगे तभी देश मजबूत होगा। आखिरी प्रश्न मेरा आपसे, अभी तक के 10 साल के कार्यकाल कुछ ऐसा आपका काम जो आपको याद है और आपको लगता है कि हाँ युवाओं को ऐसे कामों के लिए आगे आना चाहिए क्योंकि आपने ऐसे काम किए, तो कौन सा? हाँ, सब सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो आप युवा में ये मत सोचिए कि मैं पॉलिटिशियन हूँ, आप राजनीति ना करें, बस सबसे अच्छी चीज वास्तविक परिवर्तन सिर्फ ये है कि आप राजनीति करके मत आए, समाज सेवा के रूप में राजनीति करने के लिए आए, तो सबसे बड़ा परिवर्तन वही है। और जिसका मतलब ये होना चाहिए कि कोई, मैं ये चाहता हूँ कि लोग आते हैं, बसपा की सरकार आगे नीला हो गया, सपा की सरकार हो गया हरा आ गया, भाजपा की सरकार आगे भगवा हो गया, ये क्यों? मैं सबके साथ पूरा करना चाहता हूँ ना, भाजपा के भगवा रंग एक अच्छा होता है कि एक सूर्य का उदय होता है, उसको डालने से एक सूर्योदय का निकास होता है, ये बहुत अच्छी बात है, तो इसमें कोई गलत है, लेकिन रंगों में भेद करके आपस में ना लड़ाएं, मैं यही चाहता हूँ, फिर उनमें और हमें फर्क नहीं रह जाएगा ना, साफ और छुतरी सुतरी, हाँ मतलब उसमें और हमें भी फर्क ना रह जाए कि मतलब वो जो पिछली सरकार भी करती रही थी वही सरकार अगर हम दोहराएंगे तो नहीं चाहोगा। जिस प्रकार से हमारे मतलब आदरणीय योगी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, 10 महीनों के अंतर्गत उन्होंने बहुत अच्छा किया, सारी केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों तक इतना नियमपूर्वक चल रहा, जो जो हम लोगों ने संकल्प पत्र में कहा वो किया। अभी युवाओं के लिए उन्होंने रोजगार दिया, मुझे बेहद अच्छी लगी कि अभी उन्होंने 68,000 करीब सहायक अध्यापक की भर्तियां निकाली, ठीक है, बेसिक शिक्षा में, प्लस आपका ये युवाओं के लिए पुलिस की भर्ती निकाली, 23,000 करीब पुलिस की भर्ती, 18,000 करीब पीएससी की भर्ती है, तो ये मतलब कि युवाओं को अब रोजगार देना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि युवा हमारा बहुत बेरोजगार था। कहीं ना कहीं बीजेपी उस पर काम कर, हाँ बीजेपी उस पर काम कर रही है, लगातार लका लाने की कोशिश कर रही है, और ये हमने ये प्रण लिया है कि इस 5 साल की सरकार में हम उनको करके दिखाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से सब लोग कहते हैं करके दिखाएंगे करके, 10 महीने की सरकार हो गई कुछ नहीं, 10 महीने की सरकार हो गई, हमने लोगों, हमारे पास भ्रष्टाचार का आरोप तो नहीं लगा, हमारे 10 साल की 10 महीने की सरकार हो गई, कहते हैं कि नहीं ये कर दिया वो कर दिया, हमने बातों की कर, लोग कहते हैं जुमलों की सरकार है, जुमलों की सरकार होने के बावजूद कहते हैं करके भी तो दिखाते हैं, क्या घोटाले कर करके दिखाएं, भ्रष्टाचार करके ही दिखाएं, क्या सब कुछ वही होता है? जुमलों की सरकार कहते, जुमलों की सरकार ने क्या नहीं किया, सब कुछ किया, ट्रिपल तलाक जुमलों की सरकार लोग कहते थे कोई नहीं खत्म कर पाया, 70-75 साल सरकार रही किसी ने खत्म नहीं किया, मुसलमानों के हित के लिए नहीं सोचा, बहन बेटियां ऐसे घूमती थी, लोग उनको बाहर निकाल दिए, तो ट्रिपल तलाक हम लोग लेके आए ना, क्या हम लोग अपने लिए लेके आए? सबका साथ सबका विकास भगवा रंग ही कहता है, भगवा रंग क्या उनका नहीं है, सभी का है, हरा रंग उनका है क्या, हमारा नहीं है क्या,
सबका कलर तो एक रंगों का एक मिलन है, तो उसको तो शुभकामनाएं के साथ ही कहा जाता है, लेकिन उसको मतभेद करके राजनीति जो करते हैं वो मैं उनसे बहुत छवा चाहता हूँ। यानी कहीं ना कहीं आप ये चाहते हैं कि युवा सही राजनीति को पकड़े बिल्कुल, राजनीति करने नहीं समाज सुधारक के रूप में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहता हूँ चाहे वो जनप्रतिनिधि के नाते हो, चाहे वो संगठन के नाते हो, जो भी उसको कार्य दिया जाए वो करे और उसमें निपुणता पूर्वक वो अपने आप को दर्शाए। और मैं चाहता हूँ कि युवा जितना भी बरगला के इधर उधर से दिमाग लगा के जो भटक रहा है उसको ना छोड़ के वो सही दिशा में प्रयोग करे। लगभग जिस तरह से पूरी बातें थी मधुर जी की, उसमें ये बात था कि युवा देश की प्राण है, शक्ति है, ऊर्जा है, सामर्थ्य है, तो उसे ताकि देश का वह परिवर्तन हो जिसकी अभिलाषा लेकर भारत माता भी आशा कि कब हमारे देश का वह परिवर्तन होगा जिसके लिए ये भारत आज के लिए इतना ही। कहीं ना कहीं एक प्रेरणा के रूप में भी युवाओं को लेना चाहिए और जानना चाहिए कि कहीं ना कहीं आमूल परिवर्तन तभी होगा जब हम सब एक होकर एकाग्रता के साथ जागरूकता के साथ आगे आएंगे। कैमरामैन अवधेश कुमार के साथ सचिन दीक्षित, एंटी करप्शन न्यूज़ एजेंसी।